ये याद रखना, मैं अपने और तुम्हारे दरमियान कभी किसी तीसरे को नहीं आने दूंगी। आज रात तुम्हें ब्रेकिंग न्यूज मिलेगी। और हाँ, अपनी हसरतों पर फातिहा पढ़ लेना। मेरी जहीन से बात हुई है, एहसन साहब की तबीयत कुछ नासाज है, इसलिए उसको रुकना पड़ गया। अल्लाह खैर करे, कोई परेशानी की बात तो नहीं है ना? ये तो अब सुबह आएगा तो पता लगेगा। अगर एहसन साहब की तबीयत नासाज थी तो जहीन को वहाँ रुकने की क्या जरूरत पेश आ गई? भाई उनकी बेगम नहीं थी क्या उनकी तीमारदारी करने के लिए? एहसन साहब को जहीन पर बहुत एतमाद है, वो उसको अपना मुलाजिम नहीं अपना बेटा समझते हैं। बेटा जो भी हो, मुलाजिम तो फिर मुलाजिम ही होता है ना। वैसे मुझे एहसन साहब की इस बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई कि उन्होंने एक जवान जहान लड़के को सारा का ड्राइवर रख कैसे लिया। भाई असूलन तो होना ये चाहिए था कि वो अब्बा को रखते सारा का ड्राइवर और जहीन को रखते अपना ड्राइवर। मगर चलो, क्या कह सकते हैं, अब कल कलां को कोई ऊंच नीच हो गई तो हम किस किस को मुंह दिखाते फिरेंगे। भाई ये क्या कह रही है तू शबाना, तेरा दिमाग खराब नहीं हो गया? तू जहीन के मुतालिक ऐसी बात सोच भी कैसे सकती है? अनवर, समझाओ अपनी बीवी को, जो मुंह में आता बोल देती है। वो बहुत पढ़े लिखे और खानदानी रोशन ख्याल है। सारा और बेला मेरे सामने बड़ी हुई हैं, आइंदा उनके बारे में ऐसे वैसी बात मत करना। अब आखिर मैंने ऐसी क्या गलत बात कह दी? मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि चुप, बहुत बकवास कर ली तुमने। अम्मा आप प्लीज परेशान मत हो, आप लोग कमरे में जाइए, काफी रात होगी, जाकर सो जाएं। चलिए जी। ये अभी तक ऑफलाइन है? फोन क्यों बंद जा रहे हैं? बाबा को पूछती हूँ। क्या वो फोन क्यों नहीं रिसीव कर रहे? किसका फोन आ रहा है? बेला का। तो उठा लेना। परेशान हो जाएगी। अब मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? बेला तुम रो क्यों रही हो? बाबा मेरा फोन नहीं उठा रहे। तुम इस बात पर? मैं बाबा और सारा को कब से कॉल मिला रही हूँ, सारा का नंबर मुसलसल बंद जा रहा है। सारा मैं ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ, बाबा तो पहली बेल पे मेरा फोन उठाते हैं चाहे कुछ भी हो। बाबा अगर सो भी रही हूँ तो मेरा फोन जरूर उठाते हैं और रात गए कॉल करने पर कभी नाराज भी नहीं होते। अच्छा तुम परेशान मत हो, वो फोन देखेंगे तो तुम्हें कॉल बैक कर लेंगे, ठीक है? तुम परेशान मत हो, तुम जाओ चेंज करो और आराम करो आके।
मुझे एहसास है कि मुझ पे क्या ब्यात रही है। तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। शुक्र करके जान छूट गई इस मनहूस लड़की से तेरी, और तुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। सारी बात मैंने अम्मी आपको बताती है, और आपको अभी भी लगता है कि मुझे परेशान नहीं होना चाहिए? अरे कुछ नहीं होगा, तू वहां से कह कि रूमी को कुछ पैसे दे दिलाकर उसका मुंह बंद करवा ले। अम्मी वहाज को ही तो कुछ नहीं बता सकती, ये सारा प्लान मैंने इसीलिए तो किया था कि वहाज के सर से सारा का भूत उतर जाए। मुझे क्या पता था ये मुसीबत मेरे ही गले पड़ जाएगी। आपको पता पुलिस तक सारी बात पहुंच गई है, और अगर रूमी पकड़ा गया तो मैं तो फंस जाऊंगी। अरे मेरी जान तू फिक्र मत कर, मैं अभी तेरे पास आ रही हूँ। आप क्या करेंगी यहाँ के? और वैसे भी एहसन ने बोला कि किसी को नहीं बताना। अरे मैं किसी नहीं हूँ, सास हूँ एहसन की, और यही तो वक्त होता है हिम्मत बताने की। देखो इस तरह चापलूसी करके हम एहसन के दिल में अपनी जगह बना सकते। वाह, यहाँ मैं मुसीबत में पड़ी हूँ और आपको अभी भी है कि मैं एहसन के दिल में जगह बना लूँ? क्या प्लानिंग है आपकी? आ जाएं, आके कर लें अपने पूरे शौक। इतनी मुसीबत में फंस गई हूँ, अभी भी एहसन के दिल में जगह बना लूँ। होश में आते ही शोर मचाएगी वो, उसके मुंह पर पट्टी बांध देना। बहुत तेज और होशियार लड़की है, बहुत ध्यान रखना, और हाँ उसे किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाना। बहुत अमीर बाप की बेटी है वो, और मेरे लिए बहुत स्पेशल है। मैं दोबारा कॉल करूंगा, मुझे अपडेट करते रहना। आप बेफिक्र हैं, मैं आपको तमाम अपडेट्स देता रहूंगा। कौन है ये बेकार सवाल है, तुम्हें यहाँ क्यों लाए? हाँ ये तुम्हें बता देते हैं, पहले पहले पानी पी लो। ए कालू चल पानी पिला इसे, पानी पिला इस मैडम को जल्दी से। पियो पानी, पियो पानी पियो। ए कौन है, क्या चाहते हो मुझसे? प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरे पापा बहुत परेशान हो रहे होंगे। खामोश, ज्यादा अगर तुमने पड़ किया ना तो तुम्हारी ये जबान काट कर चीर कौओं को खिला दूंगा मैं। बड़े नखरे हैं भाई तेरे, वो भाई बड़े नखरे हैं इसके। चल ठीक है, तू ऐसे ही रहे, अब ऐसे ही रखना इसको, हिलने नहीं देना। वैसे बुरा मत मनाइएगा, इस लड़की ने हमें परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भला क्या तुक बनता आधी रात को बाहर घूमने का? किसी को पता चला तो कितनी बदनामी होगी हमारी, उसे तो इस बात का भी ख्याल नहीं। अरे अरे शानवा, ये सब क्या हो गया? इतनी रात को लड़की घर से बाहर निकली और अभी तक नहीं पहुंची, गजब हो गया एहसन साहब, ये तो गजब हो गया। आपने यहाँ आने की जहमत क्यों की? ये क्या कह रहे, कैसे जहमत ना करती, मेरी बेटी और दामाद का घर है, और सच पूछे तो सारा को मैं अपनी बेटी की तरह समझती हूँ। तो शाजमा ने जैसे ही मुझे उसकी गुमशुदगी की खबर दी, मुझसे तो रहा नहीं गया, टैक्सी पकड़ के सीधी यहाँ पहुँच गई। अम्मी आप यहाँ क्यों आई हैं? आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। कैसे ना आती, मेरा तो दिल दहल गया, अपने इस वक्त में काम आते हैं, मैं तो नफर पाते हैं। अल्लाह मियाँ बच्ची को खैरियत से घर पहुँचा, आप फिक्र मत करें एहसन साहब, इंशाल्लाह खैरियत से बच्ची घर पहुँच जाएगी।
आप प्लीज जाकर नमाज पढ़ें, हम बहुत परेशान हैं, आप दुआ करें प्लीज। हाँ अभी जाके नफल पढ़ती हूँ और मन्नत मानती हूँ कि अल्लाह मियां खैरियत से बच्ची को घर पहुँचा। आप फिक्र मत कीजिएगा, दुआ में बहुत असर होता है। या अल्लाह इस घर को सलामत रख या अल्लाह। मैंने सारा की बात बेला तक छुपाई और तुमने अपनी माँ को बता दिया। ऐसा मैं बहुत परेशान थी, अम्मी का फोन आया था, उन्होंने महसूस कर लिया, मुझे मजबूरन बताना पड़ा उन्हें। तो तुम कोई अपनी और परेशानी नहीं बता सकती थी? सारा को डिस्कस करना जरूरी था जबकि मैंने तुम्हें मना किया था। घर के मुलाजमीन मेरी मजबूरी है पर उन्हें मैंने सख्ती से ताकीद की है कि घर की बात बाहर ना जाए, और तुम्हारी तो पेट में बात टिकती नहीं। अरे तुम्हें तो इस वक्त मेरे साथ होना चाहिए। और उठता तुम, मेरी माँ है वो, कोई गैर नहीं है। आपको तसल्ली देने के लिए आई है और अपनी सारा का गुस्सा मुझ पे ना निकाले। मुझे उनके आने पे एतराज नहीं है, 100 दफा। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं सारे के मामले को हवाओं से भी छुपाना चाहता हूँ और तुमने राजदारों में इजाफा करना शुरू कर दिया। जब तक सारा नहीं आ रही, अपनी माँ से कहो कि वो यहीं रुके। मैं नहीं चाहता कि वो वापस जाके मोहल्ले वाली वो औरतों के साथ सारा की कहानी डिस्कस करें और बात कहां से कहां पहुंच जाए। उन्हें कहो कि बात घर तक रहे। प्लीज जाओ जाओ। सर अभी तक उनका कुछ नहीं पता चल रहा, अगर आप इजाजत दें तो मैं ढूंढने जाऊं। कहां ढूंढोगे? कहीं भी सर, जहां उम्मीद होगी उनके होने का इम्कान होगा। मुझे यकीन है कि हम सारा को जल्द तलाश कर लेंगे इंशाल्लाह। ज़हीन, कहाँ थे तुम सारी रात? सब यहाँ परेशान है सिर्फ तुम्हारी वजह से। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, मेरा बेटा खैर खैरियत से घर आ गया। तुम सारी रात थे कहाँ? हुआ क्या था वहाँ, हमें भी तो पता चले। वो एहसन साहब की तबीयत नासाज हो गई थी इसलिए मुझे उन्हीं के पास रखना पड़ा। अल्लाह खैर करे, कुछ घबराने की बात तो नहीं है? नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं हॉस्पिटल था इसीलिए मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। अब आप आज काम पर मत जाइएगा, वो एहसन साहब आराम करेंगे। अल्लाह एहसन साहब को सेहत दे बस। आमीन। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मैं तो ऐसे ही परेशान हो गई थी कि सारी रात कहाँ चला गया मेरा बच्चा। शुक्र है मौला का। बताओ मुझे क्या हुआ था। कुछ नहीं अब्बा, कुछ देर में दोबारा जाना है मुझे, एहसन साहब का चेकअप करवाना है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मुझसे कुछ छुपा रहे हो तुम? नहीं अब्बा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बस शाजमा की वजह से घर में झगड़ा हो गया था, एहसन साहब का बीपी शूट कर गया, मगर अब सब ठीक है, परेशानी की कोई बात नहीं। मैं रोमी के साथ मुसलसल रابطے में हूँ, सब दुआ करें वो मेरा नाम ना ले वरना वो सब कुछ बर्बाद कर देगा, मुझे भी फंसवा देगा। क्या जरूरत थी तुम्हें उस खबीफ के साथ मिलकर सारा को घर से भगाने का प्लान बनाने की? सारा का दोस्त है वो, एक ना एक दिन तो उगल देगा, फिर तुम्हें कौन बचाएगा? तुम भी अजीब लड़की हो, पहले वहाज के साथ मिलकर उल्टे सीधे प्लान बनाती थी और अब रूमी। खुदा का नाम है हमें बस करें, ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। वैसे भी मैं एक मुसीबत से निकलती हूँ दूसरी में फंस जाती हूँ। अरे ये सारी मुसीबतें तुम्हारी अपनी लाई हुई है।
लगता है बहुत बेचैन हो रहे, सारी रात सो नहीं पाए। सारा की वजह से परेशान हो रहा हूँ, कुछ पता चला उसका? तुम्हें कैसे पता कि सारा? क्योंकि तुम्हारे घर में मेरे भी कुछ वफादार मौजूद हैं, जो मुझे पल पल की खबर देते हैं। ये कौन वफादार हैं, मुझे नाम तो बताओ। अरे ये सब छोड़ो, मुझे बताओ सारा का पता चला कुछ? कुछ पता नहीं चल रहा बाहर, सारा का कहाँ चली गई, किसी को कुछ नहीं बताया उसने, हसन को कुछ नहीं पता उसके बारे में, इवन के अभी तक पुलिस को भी कोई अंदाजा नहीं है। ठीक है, मैं रास्ते में हूँ, घर ही आ रहा हूँ। हसन साहब को इस वक्त मेरी मदद की जरूरत होगी। क्यों, हसन को भला तुम्हारी की जरूरत होगी? क्योंकि वो अकेले होंगे, उन्हें हौसला दूंगा मैं। अरे यही तो वक्त है उनके जख्मों पर मरहम रखने का। वो मेरी बात सुनो, तुम भी चापलूसी करो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। बहाज मेरी बात सुनो, तुम्हें इस घर में आने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी ऐसे ने सारा के अगवा का मामला किसी को नहीं बताया, अपनी बेटी तक को नहीं बताया, तुम्हें क्यों बताएंगे वो? मैं ऐसा जाहिर करूंगा कि मुझे कुछ पता ही नहीं। तुम देखना, वो सब कुछ मुझे खुद बताएंगे। बहाज, आपकी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही, शाजवा जाओ नाश्ता लेकर आओ, कुछ जूस वगैरह पिलाओ इन्हें। हाँ मैं भी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपको क्यों कुछ नहीं चाहिए, आपने कल रात से कुछ नहीं खाया है सन, आप तो ऐसे बीमार हो जाएंगे। जब तक सारा घर नहीं आ जाती, एक नवाला मेरे हलक से नहीं उतरेगा। अगर आप कुछ नहीं खाएंगे तो मेरे हलक से कैसे नवाला उतरेगा? प्लीज जिद नहीं करें, आए नाश्ता कर लें हमारे साथ। जिद मत करो शाजवा, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। घर के मुलाजमों को जरा अच्छी तरह समझा देना कि सारा की गुमशुदगी की खबर घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि इसका जिक्र किसी से मत कीजिएगा। अरे नहीं हसन साहब, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आपकी इज्जत हमारी इज्जत, इस घर से कोई बात बाहर जाएगी नहीं। जानता हूँ, पूरा एतमाद है मुझे आप। मैं जहीन के साथ पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, दुआ कीजिएगा कि सारा को लेकर ही वापस आऊं। तो फिर मैं भी चलती हूँ ना आपके साथ। अगर मेरी बच्ची को किसी किस्म का नुकसान पहुंचाना तो मैं तुम्हें इबरत का निशान बना दूंगा। बोलो क्या चाहते हो तुम? 2 करोड़। करे तो अपने पैसे। स्वीटी जल्दी आओ, रकम की। रुक जाओ, मैं कह रहा हूँ रुक जाओ, वरना मैं गोली मार दूंगा। अखियानू तेरी दीद दी बना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर। सर चलें पुलिस स्टेशन? हाँ शाजमा, तुम ऐसा करो, तुम यहीं रुको, तुम्हारा साथ जाना मुनासिब नहीं है, मैं और जहीन जा रहा हूँ। सर क्या बात है, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? तुम इस वक्त यहाँ? सर वो अर्जेंटली फाइल साइन करवानी थी, लिहाजा आप यहीं आना पड़ा। आप बहुत परेशान लग रहे हैं मुझे, सब खैरियत तो है ना? हेलो मैडम, नाश्ता कर लो, अपने हाथों से बना के लाया हूँ, और निवाले भी आपको अपने हाथों से ही खिलाऊंगा। नाश्ता नहीं करती तो रहने दो टीडी, भूखी रहने दो। क्या देख रही है? तेरे बाप को फोन लगा रहा हूं। यही सारे मामले चल रहे हैं, इसी वजह से परेशान हूं मैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूं। सारा की कॉल? हेलो हेलो सारा, मेरी बेटी? सारा नहीं, सारा के मेजबान। कौन हो तुम? मैं कौन हूं ये छोड़ दो, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया है कि तुम्हारी बेटी हमारे पास है। कहां है मेरी सारा?
क्या चाहते हो तुम मेरी बच्ची से? मैं पूछ रहा हूँ कहाँ है सारा? मेरी बात करो उससे। अगर मेरी बच्ची को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हारा हशर कर दूंगा। हौसला रखो एहसान साहब, ज्यादा गुस्सा तुम्हारी बेटी के लिए नुकसानदेह साबित होगा। बकवास बंद करो। अगर मेरी बच्ची को किसी किस्म का नुकसान पहुंचा ना तो मैं तुम्हें इबरत का निशान बना दूंगा। बोलो क्या चाहते हो तुम? 2 करोड़। 2 करोड़ मिल जाएंगे। मुझे बताओ कहां किस लोकेशन पे भेजेंगे? रकम का बंदोबस्त करके रखो, थोड़ी देर में मैं तुम्हें जगह बता दूंगा। और हाँ, ज्यादा होशियारी बिल्कुल मत करना। जवान बेटी का मामला है, अगर इसकी जान और इज्जत प्यारी है तो भूले से भी पुलिस को इन्वॉल्व मत करना। और हाँ, 2 करोड़ रुपए कैश, 1 रुपया भी कम नहीं। रकम तुम्हें पूरी मिल जाएगी, बस एक बार मेरी बेटी से मुझे बात करा दो। जब मिल जाएगी बेटी ना तो तसल्ली से बातें करते रहना। सर, कौन लोग थे, क्या डिमांड कर रहे थे आपसे? अखबार बड़ाई तवान का मामला है, सुना नहीं तुमने? पूरे 2 करोड़ की डिमांड कर रहे हैं वो लोग। मेरी सारा की जिंदगी के आगे 2 करोड़ कुछ भी नहीं। सर, अगर आप इजाजत दें तो हम आईजी साहब को इन्वॉल्व करें। बिल्कुल नहीं, इस वक्त पुलिस को इन्वॉल्व करना मुनासिब नहीं होगा। तुम एक काम करो, तुम पुलिस को नंबर मिला और कहो कि सारा खैरियत से घर पहुंच गई है, हमें मजीद कोई तफ्तीश नहीं करानी, बस कह दो उनको। सर, आप आईजी साहब पर एतमाद करें, वो सारा को कुछ नहीं होने देंगे। सारा की इज्जत और जिंदगी का सवाल है। सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। तुम्हें शायद इस बात का अंदाजा नहीं है कि ये लोग कितने खतरनाक होते हैं, जान लेने से भी दुरेक नहीं करते। लेकिन सर, वह आज बिल्कुल ठीक कह रहा है, और तुम अपना मशवरा अपने पास रखो। हमें इस वक्त सारा की जिंदगी से भरकर और कुछ नहीं। एहसन, आप प्लीज आईजी से बात करें, आप करें प्लीज। सर, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका? कहाँ जा रहे हैं? बैंक जाऊंगा, रकम निकालूंगा और उनके मुंह पे मारूंगा। सर, मैं आपका दर्द और तकलीफ समझ सकता हूँ, लेकिन आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें, सारा को इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। अगर आप मुनासिब समझे तो मैं भी आपके साथ चलता हूँ। सर, मुझे एक बार पता चल जाए कि वो कौन लोग हैं, कसम से मैं छोड़ूंगा नहीं उन लोगों को। मेरे ख्याल से अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। हाँ चलो जी। सर आप लोग चले, मैं अपनी गाड़ी में आपको फॉलो करता हूँ। ओके। हाँ, कुछ खाया उस लड़की ने? अरे बहुत बददिमाग लड़की है, चिल्ला चिल्ला कर दिमाग खा गई है। अरे कुछ करो जल्दी से यार, इसका बाप तो अभी तक कैश लेकर पहुंचा ही नहीं है। लगता है कि अपनी लाडली बेटी की कोई खास फिक्र नहीं है इसे। बस कुछ घंटे की बात है, सबर रखो, समझ लो हो गया काम। अरे सबर तो मैं कर लूंगा, लेकिन उससे शोर मचा मचा कर दिमाग खराब कर दिया है। कुछ खाती भी नहीं रही। देखो अगर उसे कुछ हो गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ए, उसे कुछ नहीं होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखना। मैं दोबारा कॉल करूंगा। ठीक है। जी सर, आप लोग चले, मैं आपका यहीं वेट करता हूं। ओके, आओ जाइन। हाँ बोलो, क्या कह रही थी तुम? सारा को तुमने अगवा करवाया ना, एहसन की मदद करके उनकी नजर में हीरो बनने की कोशिश कर रहा, ऊपर से 2 करोड़ अलग, है ना? क्या बकवास कर रही हो तुम? और इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकती हो मुझ पर? मैं तुम पर इल्जाम नहीं लगा रही, हकीकत बता रही हूँ। मैं समझ गई हूँ सारा को तुमने ही अगवा करवाया। मुझे तुम्हारे इरादे ठीक नहीं लग रहे बहाज, तुम मेरे इशारों पर चलने की बजाय अपनी मर्जी के चाले चल रहे हो। मुझे बताया था कि सारा को अगवा करने का इतना बड़ा प्लान बना लिया तुमने, गाड़ी कहाँ है उसकी? फिर वही बकवास, तुम्हारा ना
तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है और कुछ नहीं। दिमाग तो मेरा खराब था ही कि तुम जैसे मक्कार और धोखेबाज इंसान पर मैंने भरोसा किया, मगर मेरा नाम भी शास में है। मुझे धोखा देना और मेरी आंखों में धूल झोंकना कोई आसान बात नहीं है महाज। पछताओगे तुम और तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। जल्द सारा को छुड़ा लेंगे, आप परेशान मत हो। मैं ठीक हूँ सर, मेरा मशवरा मान लें और पुलिस को इस केस में खुफिया तौर पर इन्वॉल्व कर लें। सर आप कहें तो मैं इंस्पेक्टर वहीद से बात करता हूँ। अगवा पर आए तावान का मामला है ये सर, उनको इतनी सी भी भिनक पड़ गई ना कि हमने पुलिस को इन्वॉल्व किया वो सारा को नुकसान पहुँचा सकते हैं। सर मैं इस बात के हक में नहीं हूँ। कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते, इंस्पेक्टर वहीद एहसन साहब को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, वो इस मामले की खुफिया तौर पर जांच पड़ताल करेंगे, किसी को खबर नहीं होने देंगे। नहीं, मुझे जो भी तुम कह रहे हो ठीक है, लेकिन मैं इस वक्त कोई रिस्क नहीं ले सकता। मेरी बेटी की जिंदगी का मामला है, पैसा मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है, वो 10 करोड़ भी मांगते तो मैं देता। सॉरी सर, इस मामले की जांच पड़ताल होना भी जरूरी है, आखिर पता लगे वो लोग कौन है और सारा की किडनैपिंग के पीछे क्या मकसद हो सकता है। खुदा ना खास्ता फिर से कुछ क्या मकसद होगा, पैसे के अलावा क्या मकसद हो सकता है सर। और इस तरह के वाकयात आए दिन शहर में होते रहते हैं, सारा जैसी अमीर घरों के बच्चे ही निशाना बनते हैं ऐसे लोगों का। सर बेहतर यही होगा कि आप कोई बहुत अच्छे गार्ड का बंदोबस्त करें उसके लिए। हाँ मैं कर लूँगा, लेकिन एक बार मेरी बच्ची घर वापस आ जाए बस। सर इंशाल्लाह आ जाएगी, आप बिल्कुल परेशान मत हो, वो सारा का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। किस बात की जल्दी है, सारा के मिलने की या इस ब्रीफ केस में पड़े नोटों की? क्यों अचानक सुबह इस वक्त घर कौन? पुलिस को इन्वॉल्व न करने का मशवरा दिया, कुछ तो गड़बड़ है। एक बार सारा वापस आ जाए इस मामले की तहकीक तो मैं खुद करूँ। हेलो, हाँ रकम लायो? हम रकम लेकर तुम्हारी कहीं भी लोकेशन पर पहुंच गए। बोलो, पुलिस को इन्वॉल्व तो नहीं किया? बिल्कुल नहीं किया पुलिस को इन्वॉल्व। तुमने जितनी रकम बोली वो मैं लेकर आया हूं, बस मेरी बच्ची मेरे हवाले करो और अपनी रकम लो मुझसे। सर आप प्लीज गाड़ी में बैठे, हम देखते हैं। लेकिन सर आप बैठे प्लीज प्लीज प्लीज। सीढ़ी खोलो इसे, तमंचा मुझे दे ये, और बोल किसके हाथ पीछे से बांधो। ये लड़की ज्यादा होशियारी बिल्कुल नहीं करना, नहीं तो जान से जाएगी। ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, ड्राइवर हो ड्राइवर बन के रहो। एहसन साहब के सामने ज़्यादा हीरो मत बनो। तुम्हें भी ज़्यादा ओवर स्मार्ट होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा चलाकी भी नुकसानदेह होती है। कहना क्या चाहते हो, कहो साफ साफ। कहना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूँ, मगर तुमसे नहीं, डायरेक्ट एहसन साहब से कहूँगा। तुम्हें तो मैं देख लूँगा, मगर सारा और एहसन साहब की ज़िंदगी से मज़ीद तुम्हें खेलने नहीं दूँगा। सहीन, बिना वजह शक करते रहते हो तुम मुझ पर। जो कुछ भी तुमने उस दिन देखा वो सब झूठ था। मैं उस दिन की बात ही कब कर रहा हूँ, मैं तो आज की बात कर रहा हूँ। फजूल की बातें मत करो तुम, वैसे हम लोग इतने परेशान हैं, ये लोग भी पता नहीं कहाँ रह गए। साला दो टके का ड्राइवर मुझे धमकियां दे रहा है। सबर कर अच्छे, तेरा भी पत्ता साफ करवाता हूं।
सर आप रुके, मैं देखता हूँ। सर आप यहीं रहें। कैसे लगाने की? आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। बाज, छोड़ दो इन्हें। गाड़ी कहाँ है सारा की? गाड़ी का जवाब दो। मैं कह रहा हूँ छोड़ दो इन्हें। सर ये लोग सीधी तरह से सारा को हमारे हवाले कर दो, वरना पुलिस को इन्वॉल्व करने में मैं जरा सी देर नहीं करूंगा। पुलिस की धमकी मुझे मत देना, वरना नुकसान तुम्हारा ही होगा। हाँ अरे चुप करो तुम दोनों, पैसा दो और चलता करो उन्हें। काफी समझदार है आप पैसा साहब। अरे हमारी रकम हमें दो और ले जाओ अपनी बेटी को। हम दे रहे हैं तुम्हारी रकम, पहले गन नीचे करो और सारा को हमारे हवाले करो। ये ले पकड़ अपनी रकम, उस शक्ल यहां से दफा कर। जाओ पहले मुझे मेरी रकम गिनने दो, उसके बाद ले जाना अपनी लड़की को। दीदी जल्दी आओ, रकम गिन। रुक जाओ मैं कह रहा हूं, रुक जाओ वरना मैं गोली मार दूंगा। मेरा बेटा अल्लाह का शुक्र है हालत खतरे से बाहर है। फिलहाल मेडिसिंस का असर है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अल्लाह ने चाहा तो दो तीन दिन में उसे डिस्चार्ज कर देंगे। और वो गोली? गोली छू के गुजरी है, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, हड्डी वगैरह नहीं टूटी, परेशान नहीं हुआ। आप परेशान ना हो, वहाज इंशाल्लाह तंदुरुस्त हो जाएगा। कैसे परेशान ना हो, मेरा शेर सा जवान बेटा बदमाशों की वजह से मरता मरता बचा है। अल्लाह गारत करे उन बदमाशों को। सच तो ये है कि हमारी वजह से आप लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ी, जिसकी वजह से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। नहीं नहीं हसन साहब, कैसी बात कर रहे हैं, और ऐसी हालत में हम आपको अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? वो आज भी अकेला नहीं है, हम भी उसकी फैमिली हैं। आप लोग घर जाके आराम कीजिए, सुबह तक वो अपने पैरों पर खड़ा होगा। जहीन जी, ड्राइवर से कहो कि इन्हें घर छोड़ा है। शुक्र अल्लाह का बच्चा तो गए। बेशक अल्लाह ने करम कर दिया। मैं तुमसे कहता था ना कि वहाज जैसे अच्छे लड़के अब नहीं मिलते। सारा की जान बचाने के लिए उसने अपनी जान दांव पे लगा दी है। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मैंने आपको बहुत परेशान किया है बाबा। I'm sorry बाबा, I'm really sorry। इसलिए मैं तुम्हें मना करता था ना कि घर से अकेली बात बाहर जाओ। चलो जो हुआ सो हुआ, अब भूल जाओ, चलो बस बेटा। तुमसे ज्यादा ना बेवकूफ लड़की मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। तुम्हें किसी अनजान लड़के ने फोन किया, रूमी की सुसाइड का बताया, तुमने फौरन यकीन कर लिया। एटलीस्ट रूमी को फोन करके पूछ तो लेती ये बात सच्ची भी है कि नहीं। वो तो अपने घर पे बैठा हुआ था, एहसन उससे मिलकर आए हैं। क्या बाबा रूमी ठीक है?
उसे कुछ नहीं हुआ? उसे कुछ नहीं हुआ, तुमसे किसी ने मजाक किया था, एहसन तुम्हारा पता करने उसके घर गए थे और उसने बोला कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानता। हो सकता है तुम लोगों के किसी म्यूचुअल फ्रेंड ने मिलकर मजाक किया हो तुम लोगों के साथ। कोई ऐसा क्यों करेगा बाबा? तुम्हें परेशान करने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए। तुम हो भी तो इतनी सादा और मासूम, फौरन हर किसी की बातों में आ जाती हो और जज्बाती भी ऊपर से बहुत ज्यादा हो। मगर छोड़ दो बेटा ये सारी बातें, अल्लाह का शुक्र है कि तुम खैर खैरियत से घर वापस आ गए। वैसे तुमने अपने बाप को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी सारा, इनकी रात कैसे गुजरी ये मैं ही जानती हूँ। क्या जरूरत थी तुम्हें आधी रात को घर से बाहर जाने की? तुम्हें पता भी है शहर के हालात कैसे हैं, मगर तुम कभी तो इनकी बात मान लिया करो। बाप हैं तुम्हारे, हमेशा तुम्हारा भला ही सोचते हैं। बस कर दो शाजमा, आप खत्म भी कर दो इस मौजू को। सारा अपने किए पर नादिम है और मुझे पूरा यकीन है कि आज के बाद ये मेरी इजाजत के बगैर घर से बाहर नहीं निकलेगी। चलो बस। बना जा।